मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के पास ड्रोन दिखा है, यह दावा आम आदमी पार्टी ने किया है। एएपी नेताओं की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल का सरकारी घर दिल्ली के राउज एवेन्यू इलाके में है। यह इलाका नो फ्लाई जोन घोषित है। पिछले साल सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर हमला हुआ था। उन पर कश्मीरी हिंदुओं का अपमान का आरोप लगाते हुए लोगों ने प्रदर्शन किया था। आवास के बाहर लगे बैरिकेड को तोड़ते हुए गेट तक पहुंच गए थे, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े थे। प्रदर्शनकारियों ने नारंगी पेंट भी दीवारों पर लगाने की कोशिश की थी। तब केजरीवाल ने कहा था कि मेरे घर पर हमला हुआ, तोड़फोड़ की गई, इस तरह की गुंडागर्दी सही नहीं है। क्या ऐसे देश आगे बढ़ेगा? नहीं ना। उन्होंने कहा था कि देश के लिए हमारी जान भी हाजिर है, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ, देश महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी ने 2021 में आरोप लगाया था कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में लगे 6 कमांडो में से 4 वापस ले लिए। एएपी ने इसे सुरक्षा के साथ समझौता करार दिया था। इस आरोप के बाद गृह मंत्रालय ने सफाई दी थी कि केजरीवाल को दिल्ली पुलिस द्वारा जेड प्लस सुरक्षा दी गई है। इसमें पायलट, एक्सकॉट, क्लोज प्रोटेक्शन टीम, हाउस गार्ड, स्पॉटर, 47 सुरक्षा कर्मियों के रूप में सर्च फिस्किंग स्टाफ और सीआरपीएफ के 16 वर्दीधारी पुलिसकर्मी शामिल हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।